यहाँ के जो चुनाव अधिकारी हैं एकदम बिक चुके हैं, ऐसा लगता है उनकी जमीर आत्माएं मर चुकी हैं, केवल हाथ पर हिल रहा है। अगर उनका हाथ पर हिल रहा, अगर मर जाते हैं तो वो 25,000 की जो ट्रेजरी है, मैं इनको पिंडदान उसी काशी में मैं करूंगा उन अधिकारियों के नाम। लोकसभा चुनाव के नामांकन के लिए वाराणसी में हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। सभी राजनीतिक दलों में नामांकन को लेकर चुनावी घमासान मचा हुआ है। कई का नामांकन हुआ तो कईयों का देश के मुखिया के खिलाफ चुनाव लड़ने का सपना सपना ही रह गया। नामांकन के इस घमासान में पूर्वांचल महापंचायत के प्रत्याशी मिंटू राजभर का चुनाव लड़ने का सपना सपना ही रह गया, और इसका विरोध मिंटू राजभर ने वाराणसी कचहरी के मुख्य द्वार पर अपना पर्चा फाड़ कर किया। मीडिया से बात करते हुए मिंटू राजभर ने बताया कि ये दलाल अब डर चुके हैं, जनता इनसे त्रस्त है, इनका पिंड दान इसी काशी में करूंगा। वाराणसी से संवाददाता अभय कुमार की ये खास रिपोर्ट। मिंटू राजभर, पूर्वांचल महापंचायत पार्टी। आज आपने पर्चा फाड़ा, क्या है? पर्चा फाड़ने का हमारा उद्देश्य यही है, यहाँ के जो चुनाव अधिकारी हैं एकदम बिक चुके हैं, ऐसा लगता है उनकी जमीर आत्माएं मर चुकी हैं, केवल हाथ पर हिल रहा है। अगर उनका हाथ पर हिल रहा, अगर मर जाते हैं तो वो 25,000 की जो ट्रेजरी है, मैं इनको पिंडदान उसी काशी में मैं करूँगा उन अधिकारियों के नाम, ताकि उनको शर्म लगनी चाहिए कि आज हम लोग 7 दिन से नियमतन उनके अनुसार हम लोग लाइन में लगाकर पर्चा दाखिला करने का काम कर रहे हैं। सब कुछ कल भी वही हाल हुआ, आज भी हम लोग को पर्चा दाखिल कर दिया गया। बाद में उन्होंने कहा कि आपका नाम बुलाया जा रहा, मेरे वकील के माध्यम से बताया गया। मैं बता देना चाहूँ मैडम कि ये गेट की दूरी जहाँ एसडीएम साहब बैठ रहे हैं उतनी दूरी आपको 100 मीटर से दूर होगा। क्या वहाँ आवाज़ देने पर आपको जानकारी मिल गया कि यहाँ कोई हमें बुलाया गया? कोई ऐसा नहीं है, लेकिन बाद में हमको बुलाकर ये कागज़ दे दिया गया। मैं 4 सेट में फार्म अपना जमा किया था, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ इन लोग की जमीन मर चुकी है। आइए, झूठ बोलते हैं। मैं उस दिन पहले दिन वजह क्या बताया? वजह कुछ नहीं बताया, बोले कि आपको बुलाया गया, आप नहीं आए। तो उस गेट से कितनी दूरी है? किसी भी कर्मचारी से बोले थे कि आपका नाम बुलाया जाए तो आप जब जाने देंगे तब ना जाएंगे हम, कि आपको डाक के जाएं। तो कहीं ना कहीं एक जब प्रशासन रोक रही है, कहीं ना कहीं पर्चे पर ये दिखाई दे रहा कि पर्चा आपका हमारे पास आया था, वो अपनी फॉर्मेलिटी करके चुनाव आयोग को दिखाना चाहते हैं। क्या लगता है आपको, क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए क्या है, ये लोग बेशरम है, इसलिए बेशरम है कि अब इनके पास कुछ रहा नहीं, अब कम से कम यहाँ प्रत्याशियों का चुनाव हो। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ वाराणसी के लोग नाराज हैं, जैसे मैं वाराणसी से हूँ, मैं बाहरी नहीं हूँ। आरओ साहब ने, जो भी यहाँ के अधिकारी ने पर्चा लेते समय कहा था कि न जाने कहाँ कहाँ से लोग आके यहाँ चुनाव लड़े, क्या तुम्हारे बाप के है कि तुमको पर्चा देने में तकलीफ हो रहा है? मैं 25,000 ट्रेजरी जमा किया हूँ, आज ट्रेजरी जमा करके मैं आपके नियम के अनुसार ले रहा हूँ कि जो नियमतन होता है मैं वो कर रहा हूँ। आप कौन से होते हैं कि आप रोकने वाले कि आपको पर्चा नहीं मिलेगा, ये शब्द कौन बोलने वाले हैं? उसी पर हम लोग को लगभग ये नहीं हुआ था, हम लोग आज इस पर्चा को फाड़े हैं। अब आप लोग के माध्यम से वजह मैडम बताएंगे तब ना, ये पर्चा अगर अंदर चला गया तो वजह हमें बताएंगे तब ना। हमें बुलाया गया तो हम यहाँ तक आए खड़े होकर, इस तरह पुलिस वाले रोक रहे, क्या हम उनसे झगड़ा थोड़ी ना करेंगे? हमको बुलाया जाए सम्मान से, जो चीजें पूछा जाए, जो कमियाँ है बताया जाए। आपका नामांकन अब नहीं हो पाया, चुनाव में आप किसका प्रचार करेंगे? देखिए, चुनाव में सपोर्ट किया जाएगा, इसके लिए आप लोग की सूचना भी जाएंगे हमारे द्वारा। लेकिन कहीं ना कहीं बनारस की जनता नाराज है, हम लोग जमीन पर चलने वाले, जमीन पर बैठ के काम करने वाले हैं, वो संदेश आप लोग के माध्यम से जाएगा। और कहीं ना कहीं इनकी आत्माएं मर चुकी हैं। आज हम लोग, एक कहावत है ना, लाख कहीं कोई भी मरे, जो काशी में दम टूटे उसी की मुक्ति होती है। इन दलालों को मुक्ति हम लोग यहीं से दिलवाएंगे, ऐसी काशी की धरती पर इनका पिंडदान करेंगे हम लोग। प्लीज फॉलो अस ऑन आवर सोशल पेजेस एंड स्टे अपडेटेड विद योर डेली न्यूज।